हमारे साथ हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आपकी बातचीत हुई रमेश चंद जी से और जो नीति आयोग के सदस्य हैं, जो पूरी एक टास्क फोर्स है, जिस तरह का फॉर्मूला उन्होंने सुझाया है, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि एफआरपी तो मिलती नहीं है और जो एरियाज है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में किसानों को और इंडस्ट्री को राहत देने के लिए, एक बैलेंस बिठाने के लिए ये फॉर्मूला सामने रखा है। लेकिन इस फॉर्मूले के मुताबिक जो किसान है, गन्ना के किसान, उनकी तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। उनका कहना है कि 217 रुपये प्रति क्विंटल ऐसा भाव मिलेगा तो उससे उनकी लागत भी नहीं निकलेगी। आपका क्या मानना है? देखिए, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है अनिका, क्योंकि हमें थोड़ा व्यावहारिकता से सोचना चाहिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी क्या है कि इंडस्ट्री उस पर सर्वाइव करेगी नहीं करेगी। आपको किसान की देखना है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। आप जो चीनी का मिनिमम सेल प्राइस है आप उसको बढ़ा दीजिए, आप एथेनॉल का दाम आपने बढ़ा दिया, पहले एथेनॉल भी नहीं उस तरीके से बिकता था, तो इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू का जो सोर्स है वो तो बढ़ते जा रहे हैं। और अभी भी एथेनॉल की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करके ज्यादा दाम देने की और उसको डायरेक्ट केन जूस से बढ़ाने की तैयारी है। तो ये सिर्फ चीनी का तो मसला रहेगा ही नहीं, गन्ना तो मल्टी प्रोडक्ट क्रॉप है। तो दूसरे फिर आप देखिए कि देश में एसएपी सिस्टम है, एफआरपी सिस्टम है। एसएपी को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अप्रूव कर चुकी है। ऐसा नहीं है सेंटर एक झटके में ये कह देगा राज्यों को कि आप दाम मत तय कीजिए, लेकिन व्यावहारिकता में क्या हो रहा है कि राज्य दाम बढ़ा ही नहीं रहे। जैसे उत्तर प्रदेश में दो साल से दाम ही नहीं बढ़ा, जबकि लागतें बढ़ रही हैं। गन्ने का जो खर्चा है उत्पादन करने का, डीजल के दाम कितने बढ़ गए, बिजली के कितने बढ़ गए, फर्टिलाइजर बढ़ गया है, मजदूरों की लागत बढ़ गई है। तो ये थोड़ा पॉलिसी मेकर को सोचना पड़ेगा कि हमें किसान के हित में सोचना है, इंडस्ट्री का हित सर्वोपरि करके आप किसान को कैसे सर्वाइव करा पाएंगे। एक और बात समझना चाहेंगे कि जो मौजूदा तरीका है A2 प्लस FL जो गन्ने की कीमत तय करने का, उसके बारे में तो यहां पर जिक्र नहीं है इस फॉर्मूले में। क्या समझते हैं आप, किस तरह से उस पर एक चुप्पी साधी गई है? और अगर ये फॉर्मूला, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं जिस तरह के टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन है, तो आगे चल के गन्ना किसानों को तो जैसा आपने खुद ही बताया लागत भी कवर नहीं हो पाएगी, तो इसमें किस तरह के गैप्स हैं जिन्हें भरने की जरूरत है? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से जो टास्क फोर्स है उसने जो शुगर केन के जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही पता करना चाहिए कि लागत कितनी आ रही है, उत्पादन लागत। आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट के आधार पे फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए। आप कहते हैं इस दाम में बेचेंगे फाइनल प्रोडक्ट, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल का दाम तय करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। किस इंडस्ट्री में यह होता है? किसी में नहीं होता। दूसरे, आप फार्मर से जो गन्ना सप्लाई करवाते हैं उसका समय पे भुगतान भी नहीं करते। अभी 14 दिन के बाद आपको उसके ऊपर ब्याज देना होता है, लेकिन कोई ब्याज नहीं देता। बल्कि एक और प्रोविजन आने जा रहा है कि आप गन्ने पे जो लेट पेमेंट जो होती है उसमें जो ब्याज की दर है उसको भी कम करने की सोच रहे हैं। तो आप सारा का सारा बोझ किसान की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपके पास पूरा सिस्टम है इवेल्युएट करने का। आप तय कीजिए कि A2 FL में क्या दाम बैठता है, और जबकि किसानों की डिमांड C2 प्लस ये 50% प्राइस की है, वो लागू क्यों नहीं करते आप? इसमें तो मुझे लग रहा है कि A2 FL में भी इससे ज्यादा दाम आ जाएगा। तो आप सारी चीजों को दरकिनार करके आप पीस मिल में सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बाकी क्रॉप का क्रॉप प्राइस पैरिटी आप गन्ने पे क्यों नहीं लागू करते, यहां भी लागू कीजिए। और इसमें रिकवरी रेट की भी बात सामने रखी है, इसको फैक्टर इन किया गया है कि 10% की रिकवरी रेट। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि कुछ भी कर लीजिए, अगर आप कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम नहीं करेंगे और जो अच्छी अच्छी वैरायटीज हैं उनकी उनको नहीं लाएंगे, और जो इंडस्ट्री जिस तरीके से काम करती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है चीनी को बनाने के लिए, उसको भी बेहतर तरीके से, बेहतर प्रोसेस से, जो नई तकनीक है, नई R&D, उसकी जरूरत है। बिल्कुल, एक टाइम के बाद आपका जो कोई भी इंडस्ट्री है उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता ही होता है। तो आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर नहीं रहे हैं, हालांकि वहां पे शुगर डेवलपमेंट फंड जो है वो इसलिए बनाया गया है कि इंडस्ट्री को सस्ते ब्याज पे जो है पैसा मुहैया कराया जाए अपग्रेडेशन करने का, एक्सपेंशन करने का। लेकिन इंडस्ट्री लेती तो है उसको, अगर आप देखेंगे ज्यादातर इंडस्ट्री जो है उनका प्लांट एंड मशीनरी बहुत पुराने हैं, उनकी अपनी एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। गन्ने का अगर आप देखें वहां पर रिकवरी रेट बढ़ता चला गया, 12-12.5% हो गया है। और आपने क्या किया
कि किसानों को फायदा ना मिले, आपने जो बेस रेट है एफआरपी तय करने का वो 10% कर दिया, जबकि पहले एक टाइम पे एसएमपी 8.5% पे होता था, उसके ऊपर जो एडिशनल रिकवरी होती थी उसमें किसान को इंसेंटिव मिलता था, तो वो इंसेंटिव का जो एक दायरा था उसको भी सीमित कर दिया आपने। जी, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, बातचीत के लिए धन्यवाद।